समय के साथ हर वो चीज बदलती गई जो इतिहास का देन था, पर इतिहास जिसे हम एक प्राचीन काल अथवा विगत काल से जुड़े प्राचीन घटनाओं के लिए जानते हैं, जो अपने साथ ना जाने ऐसी कई प्राचीन भाषाएं, चिन्ह और उससे जुड़ी कई सभ्यताएं जो आज विलुप्त हो गई हैं, जिसका जिक्र शायद ही किसी किताबों में मिल पाए। इतिहास के बदलते दौर में कुछ बातें, कुछ चिन्ह और कुछ संकेतों के मायने बदलते गए। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है प्राचीन काल का एक प्रतीक चिन्ह जिसे ग्रीक भाषा में आरोबोरस कहते हैं। यह ऐसा प्रतीक चिन्ह है जो भारत से लेकर मिस्र तक की प्राचीन सभ्यताओं में इस्तेमाल होते देखा गया है। हर सभ्यताओं में अलग अलग बात कहने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। ओरोबोरस नाम के इस चिन्ह को जानने के लिए हम आपको सबसे पहले इस शब्द के अर्थ से रूबरू कराते हैं, ताकि आप इस चिन्ह को जान सके। आपको बता दें कि ओरोबोरस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लंबी पूंछ वाला भक्षक। इसको एक ऐसे सांप के रूप में देखा जाता है जो अपनी पूंछ को खुद ही खाता है। इस चिन्ह को दुनिया भर में कई कलाकृतियों में देखा गया है और इससे यह पता लगता है कि इस चिन्ह की अहमियत काफी ज्यादा है। इतिहासकारों ने इस चिन्ह के इतिहास के बारे में काफी खोज की है। बताया गया है कि यह चिन्ह तथा इसके प्राचीन मिसाल सबसे प्रथम रूप में तूतेन खामेन के पिरामिड में मिलती है। तूतेन खामेन मिस्र का प्रभावशाली राजा था। मिस्र के इतिहास को करीब से जानने वाले इतिहासकार यह बताते हैं कि इस चिन्ह को प्राचीन समय में चाल चक्र के प्रयोग में किया जाता था। असल में प्राचीन मिस्र वासियों की मान्यता यह थी कि समय कभी भी एक प्रवाह में नहीं बहता है, बल्कि चीजें समय के साथ टूटती और फिर वो उसी स्थान पर आ जाती है जहां से वो पूर्व समय में चली थी। अर्थात जिस प्रकार सूर्य हर दिन उगता और फिर शाम होते डूब जाता है, यह प्रक्रिया हर दिन चलती रहती है। ओरोबोरस इसी चाल चक्र का प्रतीक है। लेकिन यूनानी सभ्यता में इस चिन्ह का मतलब जरा अलग है। यहाँ पेपायरस सोने की पैदावार का प्रतीक माना जाता है। पेपायरस मिस्र के पानी में पैदा होने वाला एक खास तरह का पौधा है जिससे कागज तैयार किया जाता है, जबकि आरोबोरस यहाँ के लिए रहस्य चिन्ह था। यहाँ इस चिन्ह को शुभ माना जाता था। यहाँ के लोगों के मुताबिक यह निशान हमेशा नवाजिस अर्थात किसी के ऊपर कृपा करते रहने का प्रतीक था। हालांकि बहुत हद तक प्राचीन यूनान के लोग भी इसे समय चक्र से जोड़कर ही देखते थे, लेकिन मिस्र वासियों की तरह वो इसे सूरज की सफर की तरह नहीं देखते थे। यूनान में ओरोबोरस को पेपायरस की एक अंगूठी पर लिपटा हुआ दिखाया गया है, क्योंकि यूनानियों की मान्यता थी कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, अलग कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज का अकेले कोई वजूद नहीं है। रहस्यवादियों के लिए इस निशान का अपना ही मतलब है। इनके मुताबिक ओरोबोरस का मुंह और पूंछ दुनिया में रहने वाले इंसान और परलोक को दर्शाते हैं, यानी जो दुनिया में है उसे वापस परलोक जाना है, वहां से फिर लौटकर दुनिया में आना है। लेकिन इस सफर में दोनों लोगों के बीच तालमेल बने रहना जरूरी है। रहस्यवादियों का ये विचार चीन के यिन एंड यांग विचारधाराओं से मिलता है, जिनके मुताबिक विरोधी ताकतों के साथ समरसता बनाए रखना जरूरी है। साथ ही अंधेरे उजाले के बीच तालमेल से भी इसकी तुलना की जाती है। इस प्रकार से देखा जाए तो लोग ने अपनी अपनी समझ के मुताबिक ओरोबोरस का अर्थ लगा लिया है, पर इसका सही अर्थ अभी तक किसी को मालूम नहीं चल पाया। इस प्रकार से यह चिन्ह अपने आप में एक रहस्य है, और ना जाने ऐसी कई प्राचीन चिन्ह हैं जिसका ना तो अर्थ समझा जा सका है और ना ही इसके होने का मकसद। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस चिन्ह के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।